आपके भक्त प्रास्त हुई माते, वो देखिए क्या हाल हुआ उसका, मनुष्य से राख बन गई। मैं तो देख रही हूँ यमराज, किंतु आप नहीं देख पा रहे, वो देखिए मेरी वैष्णवी जीत गई है। आपकी परीक्षा थी कि वैष्णवी को इस कक्ष से बाहर जाना है, किंतु आपने ये नहीं कहा था कि वो अपनी देह को किस अवस्था में बाहर ले जाए, इसलिए वो अपनी देह को राख के रूप में इस कक्ष से बाहर लेकर गई। रहा उसकी चूड़ियों को क्षति ना पहुंचाने का प्रश्न, तो उसकी चूड़ियां वहां सुरक्षित रखी हैं। मेरी बेटी विजयी हो गई है। किन विचारों में डूबे हुए हैं यमदेव? चलिए मेरी बेटी को उसके मूल रूप में वापस लेकर आइए। हुई मेरी बच्ची, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यमदेव, मुझे मेरा अगला कार्य दीजिए, मैं उसके लिए तत्पर हूँ। अवश्य बालिके, अपने नेत्र बंद करो। अपनी आंखें खोलो बालिके। विस्मय ना हो बालिके, अब तुमसे कोई कार्य नहीं लिया जाएगा, तुम विजयी हो। तुमने प्रमाणित कर दिया है कि तुम सच्ची पतिव्रता स्त्री हो। तुम्हारी इसी सफलता से प्रभावित होकर मैं तुम्हें तुम्हारी अंतिम परीक्षा से मुक्त करता हूँ। जाओ, तुम मुक्त हो। तुम्हारा पति वंश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ वंश।